परम पूज्य और गुरुदेव जी, अर्चनी वन्नी सन समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आप सभी के समक्ष मेरे लिए निर्देश हुआ है, थोड़ी देर निवेदन प्रस्तुत है। हर मनुष्य के मन में एक सोच है कि हम जीवन को सुंदर बनाएं, व्यवस्थित जीवन जिए और अपना निर्माण करें। आदमी मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरु के पास जाता है, तीर्थ यात्रा करता है, सबका अंतिम निचोड़ कि हम अपने महत्व को समझे, अपने जीवन को तराशे। हम अपने जीवन को तराश नहीं पाते हैं, इसलिए हमको अपना महत्व समझ में नहीं आता है, और हमको अपना महत्व समझ नहीं आता इसलिए भी हम अपने जीवन को नहीं तराश पाते हैं। इतना सुंदर जीवन मिला है, इतना बेशकीमती जीवन मिला है, उसको हम यूं ही बर्बाद कर देते हैं। हमको अपने जीवन का महत्व समझना चाहिए और सभी को अपने जीवन को महत्व समझना चाहिए। एक घटना बताऊं तो आपको आपके जीवन के महत्व आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन का महत्व कितना है, आपका महत्व कितना है, आपको समझ में आ जाएगा। एक आदमी घर से निकलता है और घर से निकलते निकलते एक मंदिर दिखा, मंदिर को प्रवेश किया, वहाँ एक संत रहते थे। संत को पूछते हैं, संत भगवान मेरे जीवन का महत्व क्या होगा? संत कहते हैं, तुम प्रश्न कर रहे हो उस बात को छोड़ दो, मेरा एक काम करो, फिर तुमको जीवन का महत्व समझ में आ जाएगा। वो करता क्या है, जहाँ बैठा था वहाँ से एक बक्सा है, बक्सा में से एक वजनदार पत्थर निकाल करके देता है और कहता है कि बस इसको रेट पूछ करके आना, इसको कहीं बेचना नहीं है तुमको, इसका रेट बस पूछ करके आना। वो आदमी आगे निकलता है, जैसे निकलता है घर मंदिर से निकलता है, वैसे उनको कबाड़ लेने वाले मिल जाते हैं। ये कहानी नहीं है, ये जीवन की हकीकत है। ये आप इस कहानी को सुन करके कहानी मत समझ लेना, ये हमारे साथ रोज हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, आप अपने कीमत को कितना में आंकते हैं और अपने जीवन को कैसे बर्बाद कर देते हैं। इतना बेशकीमती सोने जे हीरे जैसे जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। आपको लगेगा सच में मैंने जीवन के बेशकीमती लम्हों को यूं ही बर्बाद कर दिया है। वो आदमी निकलता है, वो कबाड़ लेने वाले मिलता है, उनको पूछता है, भाई साहब इस पत्थर का आप क्या रेट लगाएंगे? वो कहते हैं, भाई साहब तुम्हारे पत्थर चमकीले और अच्छे दिख रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पत्थर को आज इस पत्थर को मैं लोहे के भाव पर खरीद सकता हूँ। वो आदमी 20 रुपये किलो में खरीदने को तैयार होता है। वो आदमी और आगे चलता है, वहाँ एक सब्जी बेचने वाला मिल जाता है, उनसे पूछता है, भाई साहब आप इस पत्थर का क्या रेट लगाएंगे? वो कहते हैं, वही बात सब जगह दोहराई जाती है, और वो कहते हैं, तुम्हारे पत्थर को मैं 40 रुपये में खरीद सकता हूँ। वो आदमी और आगे चलता है, एक एल्युमिनियम के दुकान में जाता है, वहाँ वही पत्थर है। एल्युमिनियम लेने वाले कहते हैं, तुम्हारे पत्थर को मैं 400 रुपये किलो तक खरीद सकता हूँ। वो आदमी और आगे बढ़ता है, एक पीतल के दुकान में जाता है, पीतल के दुकानदार कहता है, तुम्हारे पत्थर को मैं 800 रुपये किलो तक खरीद सकता हूँ। वो आदमी को संतोष नहीं होता है। वो आदमी एक सोने चांदी के दुकान में जाता है, वहाँ 40,000 से 80,000 रुपये तक खरीदने के लिए दुकानदार तैयार हो जाता है। पत्थर वही है, जगह बदलते गए, रेट बदलता जा रहा है। देखिए कहाँ तक पहुँचता है, उसका रेट लगाते जाइए आप लोग। वो आदमी को संतोष नहीं होता, एक सोने के दुकान में जाता है, वहाँ उसका मुँह मंगा दाम मिलता है, 4 लाख रुपये तक मिलता है। वो आदमी को फिर भी संतोष नहीं होता। वो आदमी एक हीरे के दुकान में जाता है, कहते हैं, तुम्हारे हीरे को मैं 4 करोड़ तक खरीद सकता हूँ। वो आदमी को पर भी संतोष नहीं होता है। एक बड़ा सा दुकान जहाँ फिक्स रेट
कभी किसी से ठग किया नहीं जाता है। उस दुकान में जाता है, वो दुकानदार कहते हैं भाई साहब तुम्हारे पत्थर को कोई नहीं खरीद सकता है इस जगह पर, क्योंकि तुम्हारा पत्थर साधारण पत्थर नहीं है, तुम्हारे पत्थर एक बेस कीमती हीरा है। तुम अपने इलाकों को बेच दो पर भी इस पत्थर का रेट अदा नहीं कर सकते, एक बेस कीमती हीरा है हीरा। वो व्यक्ति आता है मंदिर में और संत से पूरा घटना बताता है। फिर संत कहते हैं तुम अपना जीवन का रेट जानना चाहते थे ना, जीवन का कीमत जानना चाहते थे ना, अब तुम्हारे जीवन का कीमत कितना होगा जान सकते हो? यदि तुम शराबी के साथ जाते हो तो तुम शराबी कहलाते हो, जुआड़ी के साथ जाते हो तो जुआड़ी कहलाते हो, लड़ाई और झगड़े करने वाले के साथ जाते हो तो लड़ाई और झगड़े करने वाले कहलाते हो, कोई मास्टर के साथ गए तो मास्टर, जज के साथ गए तो जज, एक अच्छे आदमी के साथ गए तो अच्छे आदमी बन गए, और नेता के साथ में गए तो नेता बन गए, और कहीं संग करते करते संतों के संग में चले गए तो बहुत अच्छा आदमी बन गए, और जीवन को बदलते बदलते संग के साथ साथ अपने जीवन को भी बदलते गए तो आज गुरुजन के जो सीरियल में आते हैं ना, जिसे बुद्ध महावीर कबीर ईसा मोहम्मद राम कृष्ण कहते हैं, पूजनी बन जाते हैं। एक दिन वो सब भी साधारण थे, महान हो गए। आप अपने जीवन को कितना में आंकते हैं? अपने जीवन को कितने में आंकते हैं? लड़ करके झगड़ करके जीवन को कैसे बर्बाद कर देते हैं? आपस में दयान और जेठान लड़ते हैं, भाई और भाई लड़ते हैं, सास और बहू लड़ते हैं, लड़ करके बच्चों को अच्छा संस्कार दे पाएंगे? कभी नहीं हो सकता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ एक चीज कहता हूँ कि हर माँ बाप की एक शिकायत होती है कि बच्चे हमारा कहा नहीं मानते, आपने वो पाठ ही नहीं सिखलाया। सीधी सी बात है, आपने बच्चे को पैसा कमाना सिखाया, आपके बच्चे पैसा कमाए, मकान बनाया सिखाया, मकान बनाए, गाड़ी चलाना सिखाया, गाड़ी चलाए, खेती करना सिखाया, खेती किए, जितना आपने सिखाया वो सीखे, नौकरी कराना चाहा आप नौकरी सीखे वो कैसे करना है, क्या आपने ये भी सिखलाया है कि जीवन को कैसे जिया जाता है? क्या कभी ये भी सिखलाया है आपने कि जीवन को कैसे रिफाइंड किया जाता है, जीवन को कैसे तराशा जाता है? कभी ये भी सिखलाया है? कभी आश्रम में, संतों के आश्रम में ले जाकर के झुकना सिखाया, सेवा और श्रद्धा और साधना सिखलाया? कभी ले जाकर के अपना ही खुद का निर्माण कैसे करना है आपने कभी सिखलाया है? आपने कभी सिखलाया ही नहीं, कैसे आपके बच्चे आपका कहा मान जाएंगे? मात्र आप कुछ कागज के टुकड़े दे देंगे इतने से बच्चे आपका कहा मान जाएंगे? संभव नहीं है। इसलिए आज हो रहा है, आप अपने जीवन की पूरी संपत्ति पूरे दांव पे लगा देते हैं अपने बच्चे के नाम के, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति पर भी बच्चे आपके कहा नहीं मानते, क्योंकि आपने वो पाठ ही नहीं सिखलाया है उनको, क्योंकि आपने वो पाठ ही नहीं सिखलाया कि सम्मान कैसे किया जाता है माँ बाप का, बड़े बुजुर्गों का, जीवन को कैसे तराशा जाता है। जब हीरा होता है तो हीरा कंकड़ की तरह दिखता है, वही हीरे को तराश दिया जाता है, उस हीरे का कीमत 5 गुना 7 गुना बढ़ जाता है। 2 लाख रुपए की हीरा है तो 10 लाख रुपए का हो जाता है। एक अभी पानी खोलते हैं आप लोग ना, पानी जितना है उड़ेल लो, फ्री में पानी है, कोई रेट नहीं है। वही पानी को तराश दिया जाता है, रिफाइंड कर दिया जाता है, एक बड़े से बोतल में भर देते हैं तो 30 रुपये में 20 लीटर मिलता है, उसका अच्छा से लेबल लगा दिया जाता है। वही लीटर, वही पानी है, 1 लीटर 20 रुपये में मिलता है, और उसका जगह कहीं बदल दिया जाता है, रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट चले गए, पानी वही है 50 रुपये लीटर में मिलता है। आपने कितना बदला है आपके जीवन को? अपने जीवन को बदलने के लिए कहाँ गए? अपने जीवन को तराशने के लिए किन संतों का सानिध्य किया? आपने परिवार में जिन संत गुरुजनों को मानते हैं, कब संतों और गुरुजनों को अपने परिवार में बुलाए हैं? कभी मत्था टेकना सिखाए हैं? आपस में लड़ करके झगड़ करके जीवन को तो ऐसे बर्बाद कर दिए। कितना बेशकीमती जीवन है और हम लड़ करके झगड़ करके जीवन को कितना नरक में बर्बाद कर देते हैं। नहीं खलता है अपने जिंदगी के लिए? इतना सुंदर सा शरीर मिला है, इतना सुंदर सा मन मिला है, इतना सुंदर सा परिवार मिला है, इतना सुंदर सा समाज मिला है, और एक ऐसा पाराज्ञान कबीर का ज्ञान जहाँ भ्रांति और कर्मकांड और पाखंड नहीं, जहाँ जीवन के निर्माण की बातें होती है, वहाँ भी हम उलझ करके अपने जिंदगी को कितना उलझा लिए हैं हमने? नहीं लगता है? जीवन में बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब पी करके अपने जीवन को कैसे बर्बाद कर? एक चीज याद आती है, शराब पीने वाले, गुटखा खाने वाले, नशा करने वाले सिर्फ शराब नहीं पीते हैं, याद रखेंगे। कोई लोग शराब पीते होंगे, बैठे होंगे, और जिनके पति शराब पीते हो, शराब बस नहीं पीते हैं,
क्या पीते हैं पता है? आपके बच्चे के भविष्य को भी पी जाते हैं वो, आपके परिवार के लोगों की तमन्नाएं को चूर कर करके मिट्टी पलीद कर देते हैं। कैसे मिट्टी पलीद कर देते हैं? जब जब आप शराब पी करके इस घर में प्रवेश करते हैं, तब तब बच्चे की जो उड़ान भरने की इच्छा थी ना, मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो बच्चे आपको शराब पिए देखते हैं, आपको आपस में पति और पत्नी में लड़ते देखते हैं, सास और बहू में लड़ते देखते हैं, उनके सारे नक्शे चूर करके मिट्टी पलीद हो जाता है। ऐसे लड़ने वालों के बीच में मैं कैसे जिंदगी को तराशूंगा, ऐसे लड़ने वालों के बीच में कैसे जीवन का निर्माण करूंगा, खुद को उनको लगता है। इसलिए आप लोग जीवन को तराशे, और जीवन तरसता मैं सबसे कहा करता हूं, आप जिन सदगुरु जन से जुड़े हैं, जिन संत से, जिन परंपरा से, जिससे भी जुड़े हैं, कम से कम साल में एक बार दो बार अपने घर में संतों को, गुरुजनों को बुलाइए और कुछ करिए। ज्यादा नहीं, 20 लोग 50 लोग जितने लोग, कुछ तो करिए। कुछ नहीं करेंगे तो आपके बच्चे पाठ ही नहीं सीख लेंगे, फिर आपके पास अधिकार नहीं है कहने का कि बच्चे हमारा कहा नहीं मानते। ये गलती आपकी है, ये आपकी गलती है, और ये गलती आप मत दोहराइए। आज ही माँ बाप का सम्मान करना सीख लीजिए, जितना ही प्यार से इस मिट्टी की, पत्थर की, कागज के, फूल की पूजा करते हैं, वही सम्मान और प्रेम से माता पिता की पूजा कर। यदि बुढ़ापे में सुखद यात्रा चाहते हैं तो, बुढ़ापे में प्रेम चाहते हैं तो, कम से कम माता पिता को कम से कम पर्व में या महीना में एक बार दो बार फूल चढ़ा करके बंदगी कर लो, कभी आरती उतार लो, वो बुढ़ापे में आओ उनको जीने का संबल मिल जाता है। जब माँ बाप बच्चे उनके ही सामने आते हैं तो उनको जीने का संबल मिल जाता है, और वो प्रेम और प्रसन्नता से भर जाता है, उनकी उम्र बढ़ जाती है आपके प्यार से, आपके सम्मान से। इसलिए माँ बाप को कभी बहिष्कृत मत करना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, खुद को जीवन को तराशना है और खुद को चमकाना है। संत गुरुजनों के ही सानिध्य में खुद को तराश सकते हैं, खुद को चमका सकते हैं। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु देव की जय।